हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। जर्मनी में ट्रेनों की टक्कर, 50 यात्रियों के घायल होने की खबर। जर्मनी के डसलडोर्फ शहर के नजदीक ट्रेन दुर्घटना में करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डसलडोर्फ के पास एक यात्री ट्रेन और एक फ्रेट ट्रेन के आपस में टकराने से ये हादसा हुआ है। जर्मन पुलिस के मुताबिक राहत और बचाव कार्य जारी है, घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा रहा है, वहीं घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। राज्य के रेल संचालक ड्यूश बान ने कहा कि यह घटना उत्तरी राइन वेस्टफालिया के पश्चिमी राज्य में लगभग 7:30 बजे 1830 GMT हुई। ड्यूश बान ने कहा, रेलवे अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान कर रहे हैं और वहां की स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को ले जाने वाली क्षेत्रीय एक्सप्रेस ट्रेन प्राइवेट तौर पर ब्रिटिश ऑपरेटर नेशनल एक्सप्रेस द्वारा चलाई जाती है, जबकि कार्गो ट्रेन DB कार्गो द्वारा संचालित है। नेशनल एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने बिल्ड न्यूज पेपर को बताया कि ट्रेन में करीब 100 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि इससे पहले मई के महीने में पूर्वी जर्मनी में एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए थे।